डिब्बे की शान, मिठाइयों की जान, आज हम बनाएंगे बालूशाही। नमस्कार, मैं हूँ राधिका। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवा स्टाइल बालूशाही। ऐसा सीक्रेट तरीका बताऊंगी फ्रेंड, जिससे आपकी बालूशाही भी एक ही बार में परफेक्ट बनके तैयार होगी। और दिवाली आने वाली है, तो इस दिवाली हम बनाएंगे घर पे ही बालूशाही, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और घर पे ही रखी तीन चीजों से इस बालूशाही को बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल लिया है। इसमें डालेंगे हम 2 कप मैदा, ये वजन में 300 ग्राम है। अब इसी के साथ में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप देसी घी, ये वजन में 150 ग्राम है। सारा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। अब घी को हम मैदा के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए, इसकी इस तरीके से हम मुट्ठी बांध के देख रहे हैं, तो ये बन रहा है, ये परफेक्ट मोयन है। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड तेल से भी मोयन लगा सकते हो। इसमें से 1-2 चम्मच घी बच गया है। अब इसको हम गूंथ के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जरूरी पॉइंट ध्यान रखें कि इसे हमें गूंथना नहीं है, सिर्फ बांधना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और इसे हम इकट्ठा कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है। और इसका हमें सॉफ्ट डो लगाना है, बिल्कुल हार्ड नहीं लगाना है। अब इसे गीले कपड़े से ढक के हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम बालूशाही के लिए चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो गैस पे हमने एक पतीला चढ़ाया है। इसमें डालेंगे हम 2 कप चीनी, ये वजन में 500 ग्राम है। इसी कप से 1 कप पानी डाल देंगे, यानी 250 ml हमने पानी डाल दिया है। अब चीनी को हम अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल राधिका किराड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए 4 दरदरी कुटी हुई इलायची, और इसी के साथ में हम डालेंगे 10-12 केसर के धागे। केसर के धागे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। चाशनी को उबलते हुए 3-4 मिनट हो गए, और देखिए मैं चम्मच से गिरा रही हूँ, तो ये धीरे धीरे गिर रही, इतनी चिपचिपी हमें चाशनी चाहिए। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ढक के हम साइड पे रख देंगे। और हमारे डो को भी रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो गए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, डो अच्छे से सेट हो गया है और ये काफी सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम इस तरीके से तोड़ के देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी इसमें लेयर बनी है। अब इसे तोड़ के हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे, जिससे हमारे आटे में बहुत ही अच्छी लेयर बनेगी और हमारी बालूशाही में भी अच्छी लेयर्स बन के तैयार होगी। देखिए, इसको पाटे पे रख लेंगे और हाथ से इस तरीके से फैलाएंगे, और फिर बीच में से चाकू से काट लेंगे, और वापिस ही एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख देंगे और हाथ से वापिस ही फैला लेंगे। इसी चीज को हमें 3-4 बार रिपीट करना है, इससे हमारी बालूशाही बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। ये हलवा इसकी ट्रिक है, इसे जरूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, इससे आपकी बालूशाही भी एक ही बार में परफेक्ट बनके तैयार होगी। देखिए, हमने 3-4 बार इसी प्रोसेस को रिपीट कर लिया है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी इसमें लेयर्स बनी है। अभी वापिस इस पार्ट को दूसरे वाले पार्ट के ऊपर रख के और इसे 3-4 भाग में काट लेंगे। और हाँ, आपके यहाँ दिवाली पे कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, मैंने इसे 3-4 भाग में काट लिया है, और अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे, जिससे हम बालूशाही बनाएंगे। बालूशाही की साइज थोड़ी सी छोटी या बड़ी आपकी पसंद से बना सकते हो। देखिए, एक छोटी सी लोई ली है मैंने, और अब इसे हम नीचे की तरफ इस तरीके से दबाते हुए इसकी एक गोल लोई बना के तैयार कर लेंगे, और इसमें बीच में होल बना देंगे, जिससे बालूशाही अंदर तक अच्छे से सीके और इसमें अच्छे से ये रस पी सके। देखिए, इस तरीके से हम छोटी छोटी सी बालूशाही बना के तैयार कर लेंगे। और एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ सेम प्रोसेस से। देखिए, मैंने एक और सेम साइज की लोई ली है, और इसे दोनों हाथों से अच्छे से गोल कर लेंगे। देखिए, और एक उंगली से इसमें बीचों बीच होल बनाएंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छी तरीके से सिक जाएगी और इसकी परतें हैं जो एकदम खिल के आएगी। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे बालूशाही बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे बालूशाही बना के तैयार कर ली। चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालेंगे हम तेल। तो मैं यहाँ पर इसे मूंगफली के तेल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे रिफाइंड तेल में या फिर देसी घी में भी फ्राई कर सकते हो। और बालूशाही को फ्राई करने के लिए हमें बिल्कुल कम गरम तेल चाहिए, बिल्कुल भी कम गरम होना चाहिए। देखिए, हमने बालूशाही डाली है, तो इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, और गैस की फ्लेम भी बिल्कुल लो होनी चाहिए।
लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करनी है। अगर आप तेज फ्लेम पे फ्राई करोगे तो बालूशाही फूलेगी नहीं और फिर ये बाहर से तो सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए हमने 3-4 मिनट इसे बिल्कुल भी नहीं छुआ है और 3-4 मिनट में ये अपने आप तैर के ऊपर आ गई है। अब इसे हम दूसरी साइड भी पलट देंगे और ये फूल के अपने साइज से डबल हो गई है। देखिए कितने अच्छे से इसकी परतें खुल गई है और इसे लो फ्लेम पे अलटते पलटते हमें अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और एक बेज को फ्राई होने में कम से भी कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। देखिए इसको फ्राई होते हुए 8 मिनट हो गए और इनमें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लग गया है। अब गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी बालूशाही कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे, अब इसे हम निकाल लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। देखिए मैं इसे एक छलनी से निकाल रही हूँ और छलनी को थोड़ी देर हम साइड पर रोक देंगे जिससे एक्स्ट्रा तेल होगा जो वापस ही कढ़ाई में चला जाएगा। अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। तो देखिए सारे बालूशाही को हम चाशनी में डाल देंगे और 3-4 मिनट इसे हम एक साइड पर रखेंगे और 3-4 मिनट बाद में इसे पलट देंगे और दूसरे पेज को फ्राई करने से पहले आपको तेल को वापस ही ठंडा कर लेना है क्योंकि बालूशाही फ्राई होते होते तेल काफ़ी गर्म हो जाता है, तो उसे वापस ही ठंडा कर लेना है। और इसी सेम तरीके से हम सेकेंड वाला पेज भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 3-4 मिनट हो गए और मैंने दूसरी साइड पर भी पलट दिए और देखिए मैं आपको बालूशाही दिखाती हूँ कितने अच्छे से बनके तैयार हुई और बहुत ही अच्छे से इन्हें रस भी पी लिया है। एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और एकदम जूसी बनके तैयार हुई है। देखिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, ज़्यादा देर चाशनी में नहीं रखेंगे। देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दूंगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप भी एक बार जरूर मेरे इस तरीके से बालूशाही बना के देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगी और मेरे पूरे ट्रिक फॉलो करोगे तो आपकी बालूशाही भी एक ही बार में बिल्कुल मार्केट जैसी बन के तैयार होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल राधिका किराड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।